हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। अपने बच्चों के सताए माता पिता के लिए वृद्धाश्रम एक अंतिम सहारा होता है, मगर क्या हो जब यहां भी उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक हो। रेवाड़ी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये तस्वीर महज अपराध तक ही सीमित नहीं रह जाती, ये तस्वीर सामाजिक मूल्यों में भयावह गिरावट का प्रतीक है। ये तस्वीर ये साबित करती है कि आज बुजुर्गों के लिए हमारे समाज में क्या हालात बन चुके हैं। दिखाई दे रहा रेवाड़ी के एक वृद्धाश्रम का है, जहां एक महिला बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर रही है। वृद्धाश्रम का काला सच एक बार फिर सामने निकल कर आया है। वहीं एक अन्य बुजुर्ग महिला ने आश्रम के दो कर्मचारियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसको लेकर करीब एक महीना पहले बुजुर्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा चुकी है। बावजूद इसके आज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, उनके खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया गया है। उधर मामले में पुलिस ने लीपापोती करते हुए बताया कि जल्द ही इसकी छानबीन करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मामले में हमारे संज्ञान में अभी ये मामला नहीं आया, ना इस संबंध में कोई कंप्लेंट आई है। फिर भी जब आपके माध्यम से हमें पता लगा है, तो मैंने सीजेएस को बोला इसको देखे, अगर इस बारे में कोई कंप्लेंट आएगी तब नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आज समाज एडवांस तो होता जा रहा है, लेकिन अपने संस्कार और मर्यादा को भूलता जा रहा है। आज बुजुर्गों की स्थिति क्या हो चली है, इन तस्वीरों को देखकर आपको पता चल गया होगा। और ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग के साथ बर्बरता का ये कोई पहला मामला हो, इससे पहले भी बुजुर्गों के साथ उनके बेटे और बहुओं की तरफ से भी मारपीट के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद भी ये सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक बुजुर्गों को ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, आखिर कब ऐसे मामलों पर लगाम लगेगी, और क्या बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम भी सुरक्षित नहीं रह गया है। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा की आवाज में आज उसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे, आखिर बुजुर्गों पर अत्याचार कब तक, ये क्या हो गया है, ये समाज का कौन सा चेहरा है। पहले घर में आसरा नहीं मिला, फिर वृद्धाश्रम में भी जानवरों की तरफ पीटा जा रहा है, ये किस तरह की आत्मीयता है, क्या संवेदनहीन हो गया है मनुष्य, जहां पर इंसानियत नहीं वो इंसान किस बात का। कई सारे सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद उठ खड़े होते हैं, क्या संवेदनहीन हो गया है आज का समाज, समाज का इससे भी ज्यादा क्रूर चेहरा कोई हो सकता है क्या। बुजुर्गों के खिलाफ आखिर क्यों अपराध बढ़ रहा है, ये तो आप भी सोच रहे होंगे। हमने बीते दिनों न जाने कितनी ऐसी खबरें दिखा दी जहां पर घर में ही बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा था। ये जो तस्वीर है ये एक कदम और आगे बढ़ के है, पहले घर में आसरा नहीं मिला, वृद्धाश्रम में जाके वहां शरण लिया, और वहां पर भी आप देखिए किस तरह से इनकी पिटाई हो रही है, जैसे कि इन्होंने न जाने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि उम्र के इस पड़ाव पर जब अपना शरीर भी साथ छोड़ देता है और बीमारियां घर में डेरा जमा, शरीर में डेरा जमा के घर बना के रहने लगती हैं, उस वक्त अगर इस तरह से पिटाई हो, हालांकि पिटाई कैसे भी उम्र में सही नहीं है, लेकिन एक बुजुर्ग के ऊपर ऐसी क्रूरता, ये वाकई संवेदनहीनता का परिचय है। ये दिखाता है कि इंसानियत दूर दूर तक कहीं नहीं है, ऐसा कृत्य करने वालों के भीतर उन्होंने शायद इंसानियत सुना ही नहीं है। समझना और उसको उसका आवरण लेके घूमना और उसको अपने आचरण में शुमार करना, ये बहुत दूर की बात है, बड़ी बात है। प्रशासन आखिर क्यों सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा, क्या वृद्धाश्रम में भी सुरक्षित नहीं है बुजुर्ग, क्रूरता की ये कैसी तस्वीर है, इसे देखिए, डर लगता है ऐसी तस्वीरों को देखकर। बुढ़ापा सभी का है, आपका और हमारा भी है, एक शरीर जब कमजोर होने लगता है और वो अपने अंतिम दशा की तरफ आगे बढ़ता है, उस वक्त आप इस तरह से जानवरों की तरफ पीटेंगे मारेंगे, ये कहां की मानवीयता है।
मानव होने का परिचय देना पड़ेगा इस समाज को। इस तरह की संवेदनहीन कृतियों को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ऐसी तस्वीरें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ऐसी घटनाएं नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इन पर बहुत ही सख्त एक्शन होना चाहिए। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से किस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, इन तस्वीरों को दिखाते हुए फोन लाइन हमने खोल दी है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। जुड़िए हमारे साथ और दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। हरियाणा की आवाज, मुद्दा आपका, आवाज आपकी, फोन कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच हमारी हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर बोल सकते हैं। पूछिए आप जुड़कर फोन लाइन के जरिए कि बुजुर्गों पर अत्याचार कब तक, क्रूरता की ये कैसी तस्वीर है, बुजुर्गों के खिलाफ आखिर क्यों बढ़ रहा है क्राइम, प्रशासन सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। एक नजीर अगर पेश कर दे प्रशासन तो इस तरह के दर्जनों मामलों पर ऐसे ही ब्रेक लग जाएगा, रोक लग जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हो क्यों रहा है, हम बुजुर्गों के प्रति इतना संवेदनहीन कैसे हो गए, हमारी मार्मिकता कहाँ है, हम क्यों नहीं उनके प्रति इज्जत को दर्शा पा रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार उनके प्रति कोमल क्यों नहीं है, नर्म क्यों नहीं है। ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए। चूंकि मंच आपका है तो आपकी आवाज जरूरी है। इन तस्वीरों पर अपनी प्रतिक्रिया देने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। पूछिए, वृद्धाश्रम में भी सुरक्षित नहीं है बुजुर्ग, ये भी लगाना जरूरी था, क्योंकि अगर सुरक्षित होते तो घर की दहलीज से बाहर नहीं कर दिए जाते, वहां पर भी उनको नकार दिया गया, उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। वृद्धाश्रम में शरण ली तो वहां जानवरों की तरह पीटा गया। देखिए इन तस्वीरों में आत्मा रो देगी इन तस्वीरों को देखकर उन लोगों की, जिनके लिए बुजुर्ग ही घर के देवी देवता समान होते हैं, देवतुल्य होते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जो उन्हें भेड़ बकरियों की तरह मारते पीटते हैं। हालांकि जानवरों के साथ भी कोई ऐसा सलूक ना करे जो यहां पर बुजुर्ग के साथ किया गया। ये तस्वीर महज अपराध तक सीमित नहीं रह जाती, ये तस्वीर सामाजिक मूल्यों में भयावह गिरावट का प्रतीक है, ये बात स्वीकार करना होगा समाज के हर एक बाशिंदे को, हर एक परिंदे को। ये तस्वीर ये साबित करती है कि आज बुजुर्गों के लिए हमारे समाज में क्या हालात बन चुके हैं, हमने कैसे उन्हें हाशिए पर कर दिया है, किनारे में कर दिया और हम आगे बह रहे हैं, उन्हें पीछे कहीं छोड़ दिया है, साथ लेकर नहीं जाना चाहते हैं। आज बुजुर्गों के लिए हमारे समाज में क्या हालात बन चुके हैं उसे देखिए इन तस्वीरों में और जुड़िए, फोन लाइन हमने खोल दिए हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। ये नजारा रेवाड़ी के एक वृद्धाश्रम का है जहां एक महिला बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर रही है। वृद्धाश्रम का काला सच एक बार फिर निकलकर सामने आया है। जो तस्वीर पहले से ही कालिख भरी थी, ये कालिख इसलिए क्योंकि घर में अगर अच्छा व्यवहार हुआ होता तो ये बुजुर्ग कभी बेघर नहीं होते और वृद्धाश्रम तक आने की जरूरत नहीं पड़ती इन्हें। लेकिन एक और काला सच, यहां पर इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है। दानिश ने फोन किया है पानीपत से। दानिश बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पानीपत के अंदर भी वृद्धाश्रम है और इस तरीके के मानवीय घटना के बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। और पानीपत के अंदर जो होते ऐसे वृद्धाश्रम है जहां पर उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो उनको अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जाति वाला मामला है जी। और ये तो बड़ा शर्मनाक है, किस तरीके से वृद्धाश्रम तो खोल लेते हैं ये लोग, पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन किस तरीके का ये जो किया है बड़ा ही शर्मनाक है। निसंदेह में कोई दो राय नहीं है कि ये बेहद ही शर्मनाक, और शर्मनाक से भी कोई बड़ा शब्द है जो इन्हें झकझोर दे, इन्हें झिंझोर दे, वो यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ये कितना शर्मनाक वाक्य है। और इस तस्वीर को आप और ज्यादा स्याह और ज्यादा काली तस्वीर के तौर पर तब देखेंगे जब इसी वृद्धाश्रम में आपको पता चलेगा कि एक महिला बुजुर्ग ने, जो कि बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस वृद्धाश्रम के दो कर्मचारियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, पुलिस थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्या प्रशासन के पास इसका कोई जवाब है? ये वृद्धाश्रम का जो प्रबंधन है उसको तो इस पर बोलना ही चाहिए कि जानवरों की तरह पीट रहे हैं, दुष्कर्म के आरोप लग रहे हैं, वृद्धाश्रम है या क्या है ये, किस लिए खोला गया है, यहाँ बुजुर्गों को आश्रय किस लिए दिया जाता है, समाज का ये कितना घिनौना और भयावह चेहरा है जो यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है। राज ने फोन किया, राज बोलिए। बहुत गलत है, वृद्धाश्रम में जाते हैं लोग काफी परेशान होते जाते हैं और इस तरीके से महिला के साथ जो मारपीट हुई है वो सरासर गलत है और सरकार को फैसला लेना चाहिए और तुरंत जो भी उनके ओनर हैं, जो भी उनके कर्मचारी हैं जिन्होंने मारपीट की है,
बिल्कुल राज की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोलिए, खोलकर बोलिए, इन बुजुर्गों को जरूरत है आपकी, इन बुजुर्गों को उन सभी लोगों की जरूरत है जिन्हें इन्होंने अंकुर में तब्दील किया, अंकुरित करके पाल पोस के बड़ा किया और एक पेड़ के रूप में तब्दील किया, आप खुद छाया को तरस रहे हैं। बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए, यादव जी बोलिए। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ नवरात्रों की भी बधाई हो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो पाश्चात्य संस्कृति का जो कमाल देखने को मिल रहा है, ये हमारे संस्कार सभ्यता जो है इनके ऊपर प्रहार हो रहा है। ये पहले ऋषि मुनि गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, वो शिक्षा आज लुप्त होती जा रही है और पाश्चात्य शिक्षा का अनुकरण हो रहा है। तो मेरा सीएम साहब से नम्र निवेदन है, सरकारी स्कूलों में आज से ही तुरंत घोषणा करवा दीजिए। चले बहुत शुक्रिया बीके यादव जी। और ये वाकई जो हो रहा है, क्रूरता की जो तस्वीरें हैं, इन पर ब्रेक लगनी चाहिए। बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन को यहाँ पर बहुत सख्ती के साथ निपटना होगा ऐसे घिनौने सोच रखने वालों को। फिलहाल हरियाणा की आवाज में हम यहीं रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए, बड़ौदा बोलेगा हमारी सहयोगी सोनिया सत्यनेता के साथ।